नमस्कार, मैं शिल्पा स्टेटमेंट टीम में आपका स्वागत है। कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा है। दिग्गज कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलोरियो ने 40 साल बाद आज कांग्रेस छोड़ दी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों के बीच उन्होंने यह कदम उठाया है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अभियान के तहत गरीब और कमजोर वर्गों को उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रति जहां जागरूक करेंगे, वहीं सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नागरिकों को यह लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉक्टर स्वीता कुमारी ने दी है। हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के निर्देशानुसार नालसा के प्रोग्राम से 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रही है। इस महोत्सव के दौरान बहुत से स्पेशल एक्टिविटीज हमने डिसाइड की है, जिसमें हम आम जन तक पहुँचने के लिए प्रयास करेंगे और हर एक फतेहाबाद के हर एक शहर के कोने कोने में और हर एक गांव में हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा लीगल सर्विसेज के बारे में, ताकि लोगों को गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स और लीगल सर्विसेज का फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1667-231174, जिस पे हमें जिस भी व्यक्ति को किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से किसी वेलफेयर स्कीम के हिसाब से कोई बेनिफिट बनता है, वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और हम उसकी जो भी यथासंभव सहायता है वो बनती है वो करेंगे। और इसी प्रोग्राम के दौरान स्पेशल एक्टिविटीज़ जो होंगी हमारी, वो 2 अक्टूबर से शुरू होंगी और 2 अक्टूबर को हम एक प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, एक क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे और एक सैनिटेशन वर्कर्स को फैसिलिटेट करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे जो भी लोग स्वच्छता के मिशन में लगे हुए हैं। और 12 अक्टूबर को फतेहाबाद में एक मेगा कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें फतेहाबाद में जिसको भी किसी वेलफेयर स्कीम के हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी बेनिफिट बनता है, चाहे वो महिला कल्याण विभाग हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तो वो हमारे पास आए और हम उनको उसी दिन मेगा कैंप में जो भी फैसिलिटी है वो उसको प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उससे पहले भी 12 अक्टूबर से पहले और 12 अक्टूबर के बाद भी DLSA का जो संस्था है वो सबकी लीगल सर्विसेज में हेल्प करने के लिए 24/7 कार्यरत है। हमें कांटेक्ट कीजिए और हमें अपनी लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताइए। जिला भाजपा कार्यालय फतेहाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने किया, जबकि कार्यक्रम के अध्यक्षता जिला प्रधान बलदेव ग्रोहा ने की। यह जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा ने दी। अब तक के लिए इतना ही। नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।